हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शीर कुरमा। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर होल मिल्क। हियर आई हैव 1 टीस्पून मिल्क मसाला। यहाँ पर मेरे पास ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स आपकी प्रेफरेंस पे है। हियर आई हैव टेकन 2 टेबलस्पून्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है, आपके पास होल ड्राई फ्रूट्स है, तो उनको इंस्टेंटली कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। हियर आई हैव टेकन 2 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर, बट शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हियर आई हैव 2 टेबलस्पून्स ऑफ घी। हियर आई हैव 2 टेबलस्पून्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। यहाँ पर मेरे पास 1/2 कप सेवई है, बट सेवई भी आपकी प्रेफरेंस पे है। अगर आपको सेवई ज़्यादा लगती है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रोसीजर। मैंने एक पतीली में मिल्क उबालने के लिए रखा है। हम इसको अच्छे से पहले बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आएंगे। बिफोर दैट हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। दूध उबलते वक्त इसको स्टर करते रहिए सो दैट ये नीचे चिपके ना। द मिल्क हैज कम टू अ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इसमें मिल्क मेड डालेंगे एंड कीप स्टरिंग। आफ्टर 2 मिनट्स व्हेन द मिल्क मेड इज मिक्सड अप रियली वेल, हम इसमें शक्कर डालेंगे। मीठा आपकी प्रेफरेंस पे है। शक्कर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें मिल्क मसाला डालूंगी। यू कैन ऐड केसर स्ट्रैंड्स ऑल्सो। वंस एवरीथिंग इज मिक्स्ड वेल, हम इसमें सेवई डालेंगे, बट वी विल ऐड इट ग्रेजुअली। पहले हम थोड़ा मिक्स करेंगे इसमें। किसी किसी को सेवई ज़्यादा पसंद है तो आप उसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आई हैव एडेड 1/2 कप सेवई, दैट इज़ परफेक्ट फॉर 1 लीटर। अब हम दूध को सिम पे, लो फ्लेम पे 5 to 7 मिनट्स के लिए पकाएंगे, बट यू हैव टू कीप स्टरिंग इट। इट्स बीन 5 to 7 मिनट्स नाउ, ये अच्छे से पक गया है। अब मैं इसको बंद करके ड्राई फ्रूट्स रेडी करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन गरम किया है। अब मैं इसमें घी डालूंगी। जैसे घी हल्का सा गरम हो जाएगा, हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और एकदम लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को बहुत ही लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करिए। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये एकदम इमीडिएटली जल जाएगा। एज यू कैन सी द कलर इज चेंजिंग, तो हमको एकदम स्लाइटेस्ट गोल्डन तक इसको रोस्ट करना है। दिस इज बिकम अ वेरी लाइट गोल्डन कलर। अब हम इसको मिल्क में डाल देंगे। बी वेरी केयरफुल वाइल पोरिंग दिस डाउन इन द मिल्क। शीरकुरमा रेडी है। ये बहुत ही इजीली बन जाती है। इसको ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको शीरकुरमा का रेसिपी कैसा लगा। थैंक यू।